अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो बाइक होती है उसके शाख वाली साइड से यहाँ से ब्लैक ब्लैक अक्सर बाइक्स में देखने को आता है। ये देखिए, ये बाइक है और ये इसके ब्लैक ब्लैक निशान लगा हुआ है शाख के कवर के नीचे। ये कभी यहाँ पर आया था, कभी यहाँ पर आया था, कभी पिछले शाख पर आया था, कहीं पर भी पिछले से मराज यानी कि पल्ली साइड पर। तो इसका मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, आप बहुत लाइट लेट दोगे इसको, लेकिन ये तो क्योंकि ख़राब हो गया, निशान आ गया, ये जंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेंट उतरा हुआ है। उससे होता क्या है, ये देखिए, ये हिल रहा है ना इस तरह, तो ये हिलता है जब हमारे शाख ऊपर नीचे होते हैं तो फिर ये टकरा जाता है इसके साथ। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर रबड़े होती है 10 या 20 रुपये की मिलती है। ठीक है, वो रबड़े दोनों साइड पर होती है। ठीक है, वो उनके दरमियान लग के इन दोनों को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो वो मैं आपको चेंज करने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि अगर आप टाइम पर चेंज कर ले ठीक है, नहीं तो बाद में फिर आपको ये निशान पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरी बाइक पे पड़ा हुआ है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, रबड़ों को। तो चलिए हम अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब मैं आपको वो रबड़े दिखाता हूँ कि कैसी होती है, फिर हम उसको चेंज करने का तरीका बताएंगे आपको। ये देखिए, इस तरह की, ये एक इस साइड पर होगी और एक इस साइड पर, जो उनसे मर्जी साइड पर रख लें। ठीक है, ये इस तरह की होती है, गल जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, लाइक आपके जो होता है ना ऐसी प्ले आई थी, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये 20 रुपये की मिलेगी या 10 रुपये की, इतने की ही अब मैं मिलेगी। आपको ठीक वो है, चेंज करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक लुक मेरी बाइक की देख लें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था लाइक कि यहाँ से मेरी बाइक काफ़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बताई थी। उसमें 1 रुपये का खर्चा भी नहीं था और आपकी बाइक का लाइक मैंने मीटर थोड़ा सा ना पीछे कर दिया था, जिससे ये लुक देखे काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो 5-6 मिनट की वीडियो है, तो ये देखिए ना काफ़ी अच्छी लुक आ रही है यहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा है। नहीं तो जो होंडा को होता है वो बैठा होता सारा मीटर, तो वो अच्छी लुक नहीं आती। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने इसका ये बोर्ड खोलना है। ठीक है, एक ये खोलना है और एक इधर से ये। ठीक है, उसे चेंज आप लाजमी करें, नहीं तो आपको शाफ्ट वो काफ़ी स्क्रैचेज आ जाएगी उसके ऊपर, और उसके अलावा स्क्रैचेज आने के अलावा वो वाइब्रेट भी बहुत करते हैं और आवाज़ ही बड़ी आती है बाइक चलाते हुए, तो उसके लिए रबड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ये वाला मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लियरली दिखाऊँ, अगर आपको ये हाईलाइट खोलनी आती है तो आप इसे स्किप कर लिया करें। लेकिन कुछ व्यूअर्स मेरे नए होते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने नया नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो व्यूअर्स अभी काफ़ी पढ़ने हैं, तो इसलिए ना साथ साथ अब आपने सिंपली ऐसे हाईलाइट खोल लेनी है। आप कोशिश कर दें ऐसे लटका दें, नहीं लटकाने तो आप इसको सिंपली यहाँ से ऐसे करके ना, तो आप ये होल्डर नीचे नीचे को दबा के ऐसे खोल भी सकते हैं, ताकि हेडलाइट जो आपकी महफूज गिरे ना। उसके बाद अब आपने लेनी है 12 नंबर की, ये चाबी लेनी है। ठीक है, 12 नंबर की, इससे एक ये नट खोलना है, ये देखिए ये वाला ऐसे, और सेम इसी तरह एक ये। ठीक है, क्योंकि हमने ये कौन सारे बांध काने हैं ना, इसलिए ये तो लूज है पहले भी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं इसको ना, हाँ सच मैंने वो एक वीडियो बनाई थी चोर स्विच पे, ठीक है, इसलिए वो सारे टाइट ना किया उस टाइम। तो ये देखिए, ये आपने ऐसे खोलना, पेजेस को आपने अच्छे से संभाल लेना है, इसमें देखना पेजेस थोड़ा ज़्यादा हो जाए, आपने संभाल लेना है इसको, कोई मुश्किल काम कोई नहीं है, क्योंकि हम कुछ शाख नहीं खोल रहे। एक ये देखिए ये वाला, आई होप ये सही तरह विजिबल हो, मैंने इसमें लाइट की कोशिश की है, मैंने लाइट मैंने एक्स्ट्रा लगाई है मैंने खता के ज़रा व्यूअर्स को ना। चाबी से खोल लेते हैं हाथ से, थोड़ा सख्त है। लाइक बारिश होती है ना, तो फिर उसकी वजह से गिल्ला होके तो सारा आपको दोस्तों अचानक खोलने की जरूरत कोई नहीं है, अगर आपने खोलने, क्योंकि हमें ऐसे खींचना है अचानक की तार में काफ़ी लंबी होती है, तो उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है खोलने का, फिर मैंने बताया हुआ है वीडियो में, पिछले वीडियो में, अब तो खोलना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए खोलूंगा कि मैंने इसके ना ये इशारे नए मॉडल लगाने हैं, लेकिन आपका उससे कोई लिंक नहीं है रबड़े चेंज करने से। ठीक है ना, आप इशारे नहीं खोलने, मैंने सिर्फ इशारे से चेंज कर लिया, मेरा परे भी हुआ है, और लाइक की मीटर के साथ लुक अच्छी आएगी, जो मैंने जरा उसको बाइक को थोड़ा नया नया बनाया है।
पेज काफ़ी बड़ा है, पता नहीं क्यों ये ना देर लग रही है। ये हो गया, इनको अपने संभाल लेना अच्छी तरह, ठीक है ना। अब हमने दो नट खोलने हैं, एक ये और एक ये, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने सिंपली ये बोल्ट खोल लेना, ठीक है। एक ये होता है, एक सेम इस तरह का पल्ली साइड होता है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम ये खोलते हैं। अच्छा, ये जो होंडा सी डी 70 होती है उसको यहाँ पर लगती है 14 mm की की, और जो चाइना की 70 होती है उसमें ज़्यादातर को लगती है 17 की, और कुछ को 14 भी लगती है और कुछ को 18 भी लगती है, ठीक है। क्योंकि होंडा 70 जो भी मॉडल है उसमें आपको ये 14 mm की ही लगेगी। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। ये थोड़े टाइट होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आराम से खोलना है इनको। कोई मुश्किल नहीं, आप घर में खोल सकते हैं, ऐसे से कोशिश करेंगे तो हो ही जाता है। लाइक इसके नीचे एक वाशर भी होगी, ठीक है ना। ये नीचे ये देखिए, ये आपने लाजमी रखनी है, आपने ये याद करते रहना है कि लाइक ये देखिए कुछ लोग होते हैं, ये इसके ऊपर है, ठीक है ना, कि नीचे है। इस चीज़ का नीचे नहीं है, इसके ऊपर है, ठीक है। ये आपने संभाल रख लेनी है। अब इसी तरह आपने खोलनी है दूसरे साइड की, इसी तरह आपने ये इस साइड वाला भी खोल लेना है। हम इसको भी खोलते हैं, वही 14 mm की लगनी है, ठीक है, 14 mm की। तो वो कसा हुआ है, हाँ ये देखिए खुल गया। ये एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं और क्लॉकवाइज बंद होते हैं। केबल जरा तंग आ रही है मुझे, महसूस हो रहा। दोस्तों ये रखिए खुल गया। अब सेम इसकी इसके नीचे ये बाशल होती है, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह संभाल लेना है। अब आपने सिंपली ये मीटर को ऐसे करना है, ऐसे साइड पे कर लेना है, ठीक है। अब आपने हैंडल का एक नट खोलना है, बस फिर आपकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों आपने ये हैंडल का नट खोलना है, ठीक है। ये देखिए इससे ये आपको लगेगी, ठीक है, ये इस तरह लगेगी जाके ना, फिर आप खोल लेंगे। अब आपने सिर्फ एक पॉइंट बहुत गौर से मेरा सुनना है, तवज्जो हो गया ना, जरा आप सुने। आप एक घर में कोई भी बैली बेडशीट ले लें, मोटा कपड़ा जैसे ये मैंने ली है, इसको अच्छी तरह डबल करके टैंकी के इर्द गिर्द ना ऐसे अच्छी तरह लपेट लें, क्योंकि हो सकता है आपकी टैंकी पर आप शुरू शुरू में बिगिनिंग पे ना आप कोई एक ये लग जाए, आपकी खराश आ जाए, ठीक है ना, हल्की सी वो टैंकी पे, तो आपने ऐसे होने नहीं देना, ठीक है, बाइक का नुकसान नहीं होने देना। बिल्कुल प्यार से आराम से उसको ऐसे रख के कोई भी मैली बैठ, और 3-4 दफ़ा लपेट लेना उसका ऐसे। फिर आपने सिंपली ये 29 mm होती है, कौन सी होती है ये, या फिर जी 29 ही होती है, ठीक है, 29 mm की ना ये यहाँ पर लगती है, इस तरह आपने अब खोल लेना, ठीक है। बेडशीट आप लाजमी रख लें, क्योंकि आपकी क्या पता आप शुरू शुरू में ना कोई, बल्कि देखिए मैं भी खोलता रहता ना, कि मैंने भी रखी है, कुछ नहीं पता था कि आप किस टाइम आपके ना कोई हाथ छूट जाए तो वो खराश लग सकती है हल्की सी, तो हल्की सी खराश में जेनुइन टैंकी पर आ जाए दुख बहुत होता है।
लेकिन इतना करना भी नहीं चाहिए, कुछ लोग बहुत करते हैं लाइक भी हमारी ये ना लाइक जानवर नहीं थे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, अल्लाह ताला हादसा है बस हादसा ना, बाकी ये होती है चीज़ें आने जाने वाली, वो चीज़ें होती है। ऐसे खुलने थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन कोई मसला नहीं, बल्कि बेडशीट आपने लाजमी रखनी है, ऐसे दिख रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हम थोड़ा निकाल के फिर ही बाइक को सेट करेंगे। कुछ लोग ये भी खोल लेते हैं लाइक, वो फिर बहुत काम ख़राब यानी कि लंबा चौड़ा काम हो जाता है, फिर वो करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। ये देखिए इसके नीचे भी एक वाशर होती है, ठीक है, ये तीनों पेजों के नीचे एक वाशर होनी है, पहले दो मैंने दिखा दिया, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ अब ये तो। इसके ना दरअसल मैंने पहले भी ना कान चेंज किए, इसके ओरिजिनल मेरे पर है वो तो मैंने लगाने नहीं, मैं होंडा के मेरे पास एक और पर है ओरिजिनल नए मॉडल का, मैं वो लगाऊंगा, लेकिन आपको से कोई लिंक नहीं, आपने ये वाले दोबारा फिट कर देने हैं, कि मैंने शायद भी नए वाले फिट करने, मैंने कहा ज़रा ज़रा थोड़ा सा मैं चेंज करता रहता हूँ मुझे लाइक। अब ये नीचे इसकी वाशल है, ये देखिए ये वाशल है और ये इसका पेज है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये भी आपने संभाल लेना, ठीक है। अब आपने ये देखिए ये इसको आपने आराम से हल्का से खींचना है, इसको आपने एक साइड पर डाल देना आगे को, ठीक है, या आप इसको कहीं भी लटका लें, किसी दोस्त के पकड़ लें या कोई भी इस तरह, लेकिन मैं तो ऐसे करूँगा कि पहले एक साइड पे ऐसे कर लूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला ऊपर खोल लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कैमरा मैं दिखा लूँ, पहले हम इसे पहले करते हैं ज़रा, ये देखिए ये सिंपली आपने ये इशारे के वायर नहीं तारनी, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे रबड़े चेंज करनी है, ऐसे आराम आराम से आपने ना ये देखिए ये ऐसे खींच लेना है। अब नीचे से ये आपने एक ऐसे खींच लेना है, ये देखिए ये आपने अगर चेंज करना बेचा ये भी चेंज कर लें, लेकिन मेरा ठीक है जेन्युइन, और ये नीचे का रबड़ आ गई, ठीक है, ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना लाइक मतलब चेंज की थी, लेकिन फिर भी ना मैंने कहा आपको दिखा दिया जाए, क्योंकि मैंने कौन तक ये चेंज करना ही है, तो ये देखिए इस टाइप की होती है, लेकिन मैंने उस टाइम शायद नहीं लगाई हो, ये वाला ठीक था, तो ये रबड़ होती है, ठीक है ना। अब आपने चेंज कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब सेम आपने हैंडल के पीछे करके ना ये वाले भी निकाल लेनी है, फिर आपको चेंज करना दिखाता हूँ। इसको भी सेम आपने ऐसे आराम आराम से खींच लेना ऊपर इस तरह, और नीचे से मैं इसके निकालता हूँ, ये मीटर दरअसल ये इसकी वो हो गई है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी अगर आप कहते हैं ना कि मैंने चेंज करनी है तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और ये इसकी देखिए ये ठीक है। अब मैं इसकी लाइक मोटी वाली लेके आया, मैं बोल लगाता हूँ अब इसको ना, तो अब चेंज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ऐसे ही रख देना, जैसे तारा वैसे ही रख देना है, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने तो इशारे वगैरह चेंज करने थे, मैं वो कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब हम अपनी रबड़ चेंज करते हैं, ये देखिए ये रबड़ आ गई, ठीक है, अच्छी मोटी वाली है, और ये आपका जो आपने तारा था, ठीक है। आप सिंपली आपने ये देखिए आपने लगा देना है, ठीक है, इस तरह आपने क्या मैंने विजिबल है, हाँ है, ये देखिए पहले आपने रबर लगानी है, ये देखिए रबर ऐसे आपने फेंक देनी अंदर को, ये जाती रहेगी अंदर इस तरह ना, जब फूल नीचे चल जाए उसके बाद आप ये देखिए ये लगाने, उसके बाद ये देखिए ये आपने सीधा, ये मैंने चेंज किया नए मॉडल का मैंने लगाया है, तो ये इसकी मैं इशारे की वायरिंग कर लूँगा, आपने तो तारा नहीं ना होना, तो आपको ज़रूरत क्यों नहीं है, तो ये देखिए ये इस तरह ये इसके अंदर से बैठ, ठीक है। अब तो अब आपने सिंपली इस शाख पर ये लगा देना, ठीक है, दूसरे वाला। अच्छा ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये हमने लगा लिया ना इधर वाला, तो मैं आपको एक और बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ, कि मैं एक और एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा हूँ, कि जो हमारी बाइक की हेडलाइट होती है ना वो डायरेक्ट हमारी बैटरी से ही चलेगी। तो उसका एक्सपेरिमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, कि ये देखिए जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं एक बल्ब यूज़ कर रहा हूँ, ये हेडलाइट का इसके अंदर लगा हुआ, वही बल्ब लगा हुआ है जो हमारी हेडलाइट पर होता है, ठीक है।
यार मैं कैसे दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट ये देखिए, ठीक है मैंने वही चला के उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं आपको मकसद सिर्फ और सिर्फ बताने का ये है, एक मिनट ये लग जाए जरा, लग क्यों नहीं रहा, ये लग गया। सिर्फ इसलिए मैंने लगा रहा हूँ ताकि मैं ये, अब तकरीबन 1 घंटे से मैंने अब यूज़ किया है, और मैंने एक टैबलेट वाली वीडियो बनाई है उस पर भी मैंने यही यूज़ किया है। मतलब तो ऐसे मैं जब मेरा ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि भाई अब ये चल रहा है तो कोई इशू नहीं है इसमें, देखिए बिल्कुल बैटरी भी चल रहा है, तो फिर मैं आपको ये इसमें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। उसका तरीका ये होगा कि जो कि बाइक का होगा ना, हाई हाई वाला बटन होगा, जब आप हाई पे करेंगे तो डायरेक्ट बैटरी से चलेगा, जब लो पे करेंगे तो आपकी वही उस पर चलेगा, क्या कहते हैं जो मोटरसाइकिल की रेस होती है, ठीक है। तो ये मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, तो मैंने बीच में बात काट दी आपकी, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। दोस्तों अब एक और बात मैंने आपको बतानी थी, चलिए वही बता देता हूँ आपके फ़ायदे की है। मैं ये भी आपको लगा कर खाता हूँ कि अगर आपके लाइक आपका आपके शाख में से ना कभी कभार थोड़ा सा ऑयल निकल गया हो, और आपको उम्मीद हो कि मेरी जो बाइक है वो निकल गया है, ऑयल थोड़ा सा निकला है, अब मेरे जो सील है ना वो लीक नहीं है, तो आपने लाइक थोड़ा सा ऑयल अगर डालना है, तो आप पता क्या करें, यहीं से ये नट खोल के ना इस तरह खोल के हल्का सा, इसमें थोड़ा सा ना एक होता है ना वो बोतल का ढक्कन होता है, जो 1 लीटर की बोतल होती है 7 अप या पेप्सी की, और ढक्कन होता है वो, आप थोड़ा ऑयल डालने के, अगर आपको सील वगैरह अच्छी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना डाल जाएगा ना थोड़ा सा स्मूथ और हो जाएगा, ये भी और ये भी। इसको लगती है 22 mm की ये चाबी। इस तरह की टिप्स मैं साथ साथ देता रहता, मैंने कहा दे देते हैं अक्सर, 2 मिनट लगने हैं तो ज़रा आपको ज़रा इलम हो जाएगा। चलिए अब हम इसको भी फिट करते हैं, इसको हमने फिट कर लिया है, वही सेम प्रोसीजर, पहले ये रबड़ जाएगी ऐसे अंदर इसके, अब ये आ गया रोशनी आ जाएगी, पता नहीं ये तो, बल्कि हाँ इसको साइड पर कर लेते हैं अभी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने, आपने चूंकि इशारे के वायर नहीं लगाए तो आपको भी लगाया, मैंने इशारे नहीं लगाया, उसके बाद आपने ये कप, ठीक है ऐसे ही आपने लगा देना है। तो कटोरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक नज़र आप यहाँ पर भी डाल लें, ये देखिए ये मेरे पिछले वाले पड़े हुए हैं वो जो कौन है फोर, और ये मेरा एक ये है और एक ये मैंने लगाया हुआ है नया नया मॉडल का, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ना इंजॉय कर लिया जाए। अब आपने सिंपली अपने ये हैंडल को लेना है और ऐसे इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ से इस सुराख में जाए, ठीक है आपको दिखाता हूँ, और बाकी ये रखिए वहाँ से इसमें जाए, ठीक है इस सुराख में, ये आपने ऐसे टाइट कर जाना है हल्का हल्का सा जहाँ तक होता है हाथ से। अभी आपने कोई भी टूल यूज़ नहीं करना, जब मैं कहूँगा तभी यूज़ करना है, ठीक है। अभी आपने सिंपली ये देखिए यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद हमारे बाकी कहाँ पे गए थे, ये देखिए एक ये पेज और इसकी वाशल यहाँ पर, ठीक है आपको विजिबल हो ही रहा होगा, आप कुछ भी अंदाज़ लगा सकते हैं, जहाँ तक टाइट हो जाए आपने काट देना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखिए ये पेज, फिर कुछ लोग कहते हैं विजिबल नहीं हो रहा, तो ये देखिए इस तरह, और यहाँ पर ये विजिबल है आपको, ये आप खुद ही देख लें यहाँ से, ये देखिए एक पेज आपने यहाँ पर लगा देना है वही वाला। अभी आपने हाथ से, अभी आपने इतना टाइट करना है बस, ठीक है मैं आपको बताता हूँ अब आपने क्या करना है। अब आपने बाकी ना टाइट करने से पहले ना ये लगा देना है, ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए, तो बाद में जब फिक्स हो गए फिर ये घूमेंगे नहीं। अब ये देखिए आपने ऐसे कर देना है जिससे आपको शेप भी ज़्यादा सही हो जाए, और इधर से भी देखिए अभी अपने असल शेप में आ रहा है,
दोस्तों मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ समझाने की, लाइक अभी मैंने शुरू शुरू किया चैनल, नया नया शुरू किया है, तो कोई गलती हो गई तो आप मुझे मुझे कमेंट में काट दें, मैं शायद इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब आपने सिंपली इनको पहले अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, फिर आपने बाकी तीनों नॉट टाइट करने हैं। से ये होगा, ये बराबर हो जाएगी, फिर आप ये वाला नट और पीछे वाला नट टाइट करेंगे। चलने करके दिखाते हैं अब आपको हम। दोस्तों अब आप पता क्या करें, सबसे पहले ये आगे वाले दो नट को टाइट करें अच्छी तरह, फिर पीछे वाले नट को टाइट करें। तो ये अब आप कर ले खुद ही, लाइक मेरे ये जो है ना बैटरी काफ़ी लो हो रही है कैमरे की, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो बस आपने सिंपली टाइट करने हैं, अगले दो टाइट कर लेने अच्छी तरह, और फिर आपने पिछला टाइट कर लेना, पिछले जो है ना जितने नहीं। दोस्तों वो अगले दो नट टाइट अच्छी तरह करने के बाद आपने ये वाला नट टाइट करना है, ठीक है। अब आप बेशक ये बेड शीट डाल लें, बस आपके अब जो थी ना वो जो खतरा था वो डाल गया आपका ना, अब आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पड़ेगी। तो अब आपने सिंपली इसको टाइट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टाइट करना है। आपने सिंपल ये देखिए ये ले लेना वही, तो आराम से टाइट करना अपने इसको, ठीक है। अभी तो हाथ ही हो रहा है, तो आराम से बाकी वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये आप देखिए शेप लाइक बाइक काफ़ी अच्छी बन गई है। तो बस अब एक हेडलाइट बंद करने वाली रह गई है, तो मैं आपको चेक कराऊंगा कि देखिए वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूँ ना। तो ये आपके शाख पर निशान है, खाम खा पड़ जाते हैं, तो ये आप देखते रहा करेंगे क्या कौन से क्या मसला है बाइक की, अच्छी तरह टाइट हो गया है। अब ये हैंडल देखिए कहीं से नहीं हिल रहा, तो लाइक शेप देखिए ये न्यू मॉडल के हैंडल बहुत बड़े ये बड़े प्यारे रहते हैं इंडिकेटर। अब हम अपने हेडलाइट को बंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी अब हेडलाइट बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारी रबटों में प्ले तो नहीं है। अब सबसे पहले तो हम हेडलाइट बंद कर लेते हैं। एक पेज इस तरफ, एक पेज इस तरफ, ये देखिए दोस्तों ये अब हो गया है हमारा सारा प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि इसकी रबटों में प्ले है कि नहीं है। मैं क्रीम में रहता हूँ, दोस्तों ये देखिए ज़रा हिल रही है, पूरी बाइक हिल रही है देखे, लेकिन ये नहीं हिल रही। ये देखिए मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ, ये देखिए यहाँ से खुद गौर कीजिए पूरी बाइक हिल रही है, ये नहीं हिल रही, और ये भी बिल्कुल इस तरह। देखिए दोस्तों आप देखिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि ये निशान जो होता है ये क्यों पड़ता है। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। एक लुक दिखा दूँ बाइक की आपको मैं, ज़बरदस्त किस्म की बाइक होगी। आप इतना स्टार्ट भी कर लेते हैं,